हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे हाथों में ये मुर्गा देख रहे हो, शॉर्ट बीक लॉन्ग टेल का ये असल मुर्गा है। एक बार इसको रूबरू करा लीजिए, एक बार इसकी क्वालिटी देख लीजिए, ठीक है। तो बहुत बार जो शौकीन लोग होते हैं वो अपने घर पर बड़े बड़े मुर्गे पालते हैं। किसी के पैरोट बीक मुर्गे होते हैं, किसी के वॉल्टर मुर्गे होते हैं, तो किसी के असल मुर्गे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो इंडिविजुअल तौर पर जो 5 किलो 6 किलो 7 किलो को हैवी साइज़ के जो मुर्गे होते हैं, ऐसे में उनको बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती है। तो ऐसे में आप मेरे हाथों में ये मुर्गा देख पा रहे हो, ये शॉर्ट बीक लॉन्ग टेल असल का मुर्गा है। तो इसको भी पिछले 2 दिन से CRD, जिसको हम आम भाषा में सर्दी बोलते हैं, उसका प्रॉब्लम इसको हो रहा है। अभी तो इसके कोई भी सिम्टम्स आपको वीडियो में नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसकी ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं इसकी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो जो भी इसका छींक या फिर पानी से नाक से जो भी पानी निकलने का जो प्रॉब्लम था, वो अभी सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन अगर 2 दिन के ट्रीटमेंट में भी अगर आपको रिजल्ट मिलता है, तो फिर भी आपको कम से कम 4 से लेकर 5 दिन ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराकर रखनी है। तो पोल्ट्री फार्मिंग के लेवल पर जब हम 1,000 2,000 5,000 मुर्गियाँ पालते हैं, तो ऐसे में उसकी ट्रीटमेंट अलग लेवल पर करानी होती है। और इंडिविजुअल तौर पर अगर आप घर पर 5 मुर्गे 10 मुर्गे 1 मुर्गा अगर पालते हो, और इस तरीके के अगर बड़े साइज़ के हैवी साइज़ के अगर मुर्गे हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट आपको अलग तरीके से कराना होता है। तो आज के स्टूडियो में इस मुर्गे को मैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन लगाने वाला हूँ, पाउडर फॉर्म में एंटीबायोटिक देने वाला हूँ। वो मेडिसिन का CRD पर किस तरीके से असर होता है और कितने दिनों में आपका मुर्गा सुधर जाएगा, इसकी पूरी की पूरी मालूमात आज के स्टूडियो में आपको पता चलने वाली है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। धूप में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा उसको संभाल लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं इसके आगे का वीडियो, जो भी मेडिसिन की ट्रीटमेंट रहेगी, वो भीतर में जाकर करूँगा, जिससे कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो के भीतर ही पूरी तरह से इंजेक्शन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का नाम, मेडिसिन का नाम क्लियरली वीडियो में दिखे। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री PDF ईबुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा पहले एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो का हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो, तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री PDF ईबुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो, तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री PDF ईबुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। PDF ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा, अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो, तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611443 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। तो दोस्तों, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जो भी मुर्गा है, अगर आपके घर में भी अगर CRD का प्रॉब्लम होता है, तो किस तरीके से मेडिसिन देना है, उसके मैं प्रॉपर जानकारी आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं 1-to-1 कौन सी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट गिरती है, उसके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। जो गेहूँ का आटा होता है, ये थोड़ा सा आपको आटा ले लेना, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आटे में बेसिकली जो पाउडर फॉर्म में जो एंटीबायोटिक आती है, उस मेडिसिन को हम इस आटे में देंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड मेडिसिन रहती है, ये जो इंजेक्शन फॉर्म में आती है, ये होती है आपकी सीरिंज 5 ml की, और ये होती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन, ठीक है, लिक्विड फॉर्म का। और ये जो मेरे पास फॉर्मेट है, ये दोस्तों 50 mg वाला ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। इसमें अगर आपको 100 mg वाला अगर डोज मिलता है, तो ऐसे में मैं जो भी डोज आपको इस वीडियो में रिकमेंड करने वाला हूँ, उससे हाफ डोज लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 50 mg ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जगह पर आपको मिलने वाली मेडिसिन 100 mg की होगी। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक के तौर पर हम इस्तेमाल करने वाले आज के इस वीडियो में, आज के ट्रीटमेंट में, लिग्जेन पाउडर, ठीक है। साथ ही साथ हम टेट्रासाइक्लिन का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन के बाद अगर आपको किसी कारण से अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए एंड्रोफ्लॉक्सासिन या फिर एंड्रोजन प्लस का इस्तेमाल करना पड़ता है, और मुर्गे को ताकत मिलने के लिए वाइमेराल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, कि ये जो लिग्जेन पाउडर पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ये जो आटा है, तो आटे में ये जो लिग्जेन पाउडर है, ये मिलाकर हम हमारी मुर्गियों को देंगे। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इंजेक्शन होता है, ये घर पर ही आप अपने मुर्गों को इंट्रा मस्कुलर प्रोसेस से कैसे दे सकते हो।
हालांकि ये जो इंजेक्शन होता है ये दो तरीके से दिया जाता है मुर्गे को, एक तो विंग में दिया जाता है और ये जो लेग का जो पोर्शन होता है, थाई का पोर्शन यहाँ पर दिया जाता है, और ये जो चेस्ट का पोर्शन होता है यहाँ पर इंजेक्शन दिया जाता है। और दूसरा प्रोसीजर होता है जो दोस्तों एक रक्तवाहिका या फिर रक्त नलिका जो होती है जिसको इंट्रावेनस प्रोसेस से मेडिसिन को दिया जाता है। तो एक बार आपको इंडिकेशन में मेडिसिन के जो भी होता है इंडिकेशन पढ़ लेना है। अगर ये मेडिसिन अगर आपको इंट्रावेनस प्रोसेस से देना है तो आपको मुर्गे की जो भी नस या फिर धमनी होती है, रक्तवाहिका होती है, वहाँ पर इस इंजेक्शन को देना होता है। लेकिन मेरे हाथ में ये जो ऑक्सीटेट्रासेक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 50 mg का जो लिक्विड फॉर्मेट वाली जो मेडिसिन ही है, ये इंट्रा मस्कुलर प्रोसेस से देना है। मस्कुलर माने कि कोई भी मांस, यानी कि चेस्ट का मांस, थाई का मांस या फिर जो भी विंग होती है विंग के मांस में इसको आप दे सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पूरी की पूरी मालूम आज के इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिग्जेन पाउडर ले लेना है, ठीक है। तो लिग्जेन पाउडर आपको बिल्कुल, जैसे कि आप ये मेरे हाथों में मुर्गा देख पा रहे हो, तो ये 5 किलो से लेकर 6 किलो के बॉडी वेट का है। तो ऐसे में हमें पर 2 किलो बॉडी वेट के लिए 1 ग्राम लिग्जेन पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो हालांकि ये जो 6 किलो का इसका बॉडी वेट है, तो आज के इसके ट्रीटमेंट में मैं इसको 3 ग्राम के आसपास लगभग मैं लिग्जेन पाउडर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो कि इसका सवेरे का 1 टाइम का डोज होगा। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हो, तो लगभग ये जो आटा है, आटे में मैंने 2 से लेकर 3 ग्राम लिग्जेन पाउडर ले लिया है, ठीक है। तो इसका मैं डोज भी आपको बता देता हूँ, 5 दिनों तक कंटिन्यू आपको आपके मुर्गे को सवेरे को 3 ग्राम आटे में और शाम को 3 ग्राम आटे में ये डोज चलाना है कंटिन्यू 5 दिनों तक के। इसको पूरी तरह से आटे में मिला लीजिए, ठीक है। आटे में पूरी तरह से लिग्जेन पाउडर को मिलाने के बाद इसको आपको छोटे छोटे इसके जो भी गोले होते हैं वो बना लेना है, जिससे कि मुर्गे को खाने में आसानी होगी। बहुत दफ़ा मुर्गे को सियाड़ी होने के बाद आपका मुर्गा कमज़ोर गिर जाता है, ऐसे में जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे होंगे, अगर मैं उसको खाने को भी आटा देता हूँ तो वो खाने की हालत में नहीं होता या फिर वो खाने की चाहत नहीं रखता। तो ऐसे में हमें इस मुर्गे को खुद के हाथों से ये जो आटा होता है वो खिलाना होता है, जिससे कि लिग्जेन पाउडर उसके शरीर में जा पाए और सीआरडी का आपका प्रॉब्लम दूर हो पाए। तो जैसे कि दोस्तों वीडियो में आप देख पा रहे हो, आटे के पूरे हमने गोले बना लिए हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो लिग्जेन पाउडर फॉर्म में था, तो आटे में से हम पहले मुर्गे को खिला लेते हैं, उसके बाद इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर प्रोसेस से इसको किस तरीके से देना है उसको मैं आपको समझाकर बताता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो में आप देखते रहिए कि मुर्गे को किस तरीके से पकड़ना है, जिससे कि आपको इसकी जो थाई होती है इसके थाई में आपको इंजेक्शन किस तरीके से देना है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको पकड़ने की प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप भी इसको पकड़ते हो, तो इसके दोनों भी पैर आपके एक हाथों में होना चाहिए और दूसरा हाथ आपको इसके लेफ्ट साइड के पंप पे होना चाहिए, जिससे कि आपका मुर्गा कोई जल्दबाजी ना करे, बाहर निकलने की कोशिश ना करे। अदरवाइज जब कभी भी आप इसको इंजेक्शन देते हो, तो ऐसे में उसका इंजेक्शन तो आपके उसके मसल्स के भीतर में जाकर रहती है, लेकिन वो अगर ज़्यादा मूवमेंट करता है तो ऐसे में वो इंजेक्शन भीतर ही टूट जाने का काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो एक बार किस तरीके से पकड़ना है वो आपको समझाकर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको एक हाथ से आपको 2 पंजों को पकड़ लेना है, पकड़ लीजिए और इसको इंक्लाइन करके आपको यहाँ पर बाजू में रख देना है, ठीक है। अभी इसके दोनों भी पंजे एक हाथों में है और इसकी इसकी जो मुंडी है वो दूसरे हाथों में है। तो सबसे पहले मैं इसी पोजीशन में इसको जो भी लिग्जेन पाउडर हमने यहाँ पर बनाए थे ये हम इसको खिला देते हैं, और इसके बाद हम इसको यहाँ पर मस्कुलर प्रोसेस से ये इसको इंजेक्शन देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कभी भी आप इसकी जब चोंच पकड़ते हो तो जो इसके लेफ्ट साइड का जो भी आँख होती है वहाँ पर आपका हाथ ना लगे, इसकी थोड़ी सी जवाबदारी आपको रखना है, ख्याल आपको रखना है, क्योंकि बहुत बार जोरों से हाथ लगाने की वजह से कई बार मुर्गों के आँख भी डैमेज होते हुए हमने देखे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको चोंच को पकड़ना है और यहाँ पर से आपको यहाँ पर उसके चोंच में ये आटा डाल देना है, ठीक है। मुर्गा ये खुद ब खुद खाना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक के पीछे एक जब आप ये आटे के गोले उसके मुंह में डालते हो तो उसके ये यहाँ पर ही उसके ये जो नली होती है यहीं पर वो अटक जाते हैं, तो इसका भी आपको खास ख्याल रखना है। इस तरीके से मुर्गा खुद ब खुद आटा खाना चाहिए, ठीक है। उसके यहाँ पर नली में वो आटा फंसके नहीं रहना चाहिए।
दोस्तों हमने इसको अभी आटा खिला लिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो भी इंजेक्शन फॉर्म की जो मेडिसिन होती है वो कितना देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की ये इंजेक्शन है लिक्विड फॉर्म की, तो यहाँ पर मैं 5 ml की सीरिंज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका एक बार और से बता दूँ, इसमें मार्केट में आपको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की अलग अलग ब्रांड से मेडिसिन मिल जाती है। कहीं पर आपको 100 mg वाली ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन मिलती है, तो कहीं पर आपको 50 mg वाली ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन मिलती है। तो जो कि मेरा मुर्गा 6 किलो के आसपास में है, तो 6 किलो बॉडी वेट के लिए मैं तकरीबन 2 ml ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो कि 50 ग्राम की है, ठीक है, 50 mg की, सॉरी, ठीक है। अगर आपको डोज 100 mg वाला ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन मिलता है तो आपको 1 ml इस्तेमाल करना है 2 किलो बॉडी वेट के लिए, ठीक है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और ये वाली भी इंजेक्शन दिन में तकरीबन आपको सुबह और शाम को 2 टाइम चलानी है, सिर्फ इसको 2 से लेकर 3 ही दिन चलाना है। और जो लिक्जन पाउडर मैंने आपको दिखाया था, ये वाला लिक्जन पाउडर आपको कंटिन्यू सुबह और शाम 3-3 ग्राम 5 दिन तक चलाना है। वो भी डिपेंड करता है कि आपके मुर्गे का बॉडी वेट कितना है, उस हिसाब से आपको लिक्जन पाउडर का भी डोज कम या फिर ज़्यादा करना पड़ता है। तो जैसे दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हो, मैंने पूरी की पूरी इंजेक्शन 2 ml तक के यहाँ पर सिरिंज में भर लिए, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों कि सिरिंज में जब मेडिसिन हम भरते हैं तो यहाँ पर कई बार क्या होता है ना एयर गैप पकड़ लेती है। तो अगर यहाँ पर एयर गैप पकड़ ली तो थोड़ी सी मेडिसिन आप बाहर निकाल लीजिए, जिससे कि मेडिसिन के साथ साथ एयर बाहर में निकल जाती है। अगर एयर अगर इंजेक्शन देते समय मुर्गे के शरीर में चला गया तो मुर्गे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप 2 तरीके से इंजेक्शन दे सकते हो। ये जो पंख का पोर्शन होता है मुर्गे का, यहाँ पर जहाँ पर थोड़ा सा हैवी साइज या फिर ज़्यादा यहाँ पर मीट होता है, यहाँ पर आप इंजेक्शन दे सकते हो। और दूसरा होता है ये थाई का पोर्शन, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मांस होता है, तो यहाँ पर भी आप इंजेक्शन दे सकते हो। जो कि मेरा मुर्गा बड़ा है तो इसके मैं थाई में ही इंजेक्शन दे रहा हूँ। अगर आपकी मुर्गी छोटी है, मुर्गा छोटा है, तो ऐसे में आप लेग के बजाय पंख में भी इंजेक्शन दे सकते हो। लेग में देने के कई ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आपका डोज ज़्यादा होता है या फिर जो भी मेडिसिन आप इंजेक्शन फॉर्म में इस्तेमाल करने वाले हो अगर वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाली मेडिसिन है, तो ऐसे में आपका जो भी मुर्गे का पैर होता है वो लूज गिर जाता है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है, डॉक्टर को रिकमेंडेशन के बगैर आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करते हो मेरे मुर्गे के जैसे, अगर आपका मुर्गा हैवी साइज का है तो आप ये डोज बिल्कुल भी रिकमेंड कर सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ कि इसका इंजेक्शन का आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको ये जो थाई के जो भी पंख होते हैं, फीदर्स होते हैं, वो आपको दूर करा लेना है। सबसे पहले जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे हो, हमने यहाँ पर इसके फीदर्स जो है बाजू में करा लिए हैं, ठीक है। बाजू में कराने के बाद हल्के हाथों से जो सिरिंज होती है, हल्के हाथों से इसको भीतर में जो इसका मांस का पोर्शन होता है यहाँ पर धीरे धीरे भीतर लेके जाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, ठीक है। और उसके बाद ये जो भी इसकी इंजेक्शन लिक्विड फॉर्म की होती है, इसको आपको हल्के हाथों से धीरे धीरे मुर्गे के मीट में या फिर जो भी मांस है जहाँ पर भी आप इंजेक्शन दे रहे हो, बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करना है, जिससे कि किसी भी तरीके से आपके मुर्गे को परेशानी ना हो। तो दोस्तों जैसे कि मेरा इंजेक्शन देके हो गया है, तो हल्के हाथों से आपको सिरिंज बाहर में लेके आना है और एक जो अंगुली होती है आपकी, वो जहाँ पर आपने इंजेक्शन दिया है वहाँ पर प्रेस करके रखना है, जिससे कि वही छेद से आपकी DY इंजेक्शन वापस ना आए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने 2 ml पूरी तरह से इंजेक्शन मुर्गे को दे दिया है। थोड़ी देर तक के उसको जिस भी जगह पर आपने इंजेक्शन दिया है वहाँ पर उसको प्रेस करना है। जैसे कि आप वीडियो में मुर्गे को देख पा रहे हो, मुर्गे को किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं है, वो बढ़िया आराम से वहाँ पर बैठा है। तो बिल्कुल भी हल्के हाथों से अगर आप इसको इंजेक्शन देते हो, और जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, इंजेक्शन देने के बाद आपको इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है, जिससे कि जो भी इंजेक्शन है वो उसके शरीर में प्रॉपर तरीके से चली जाए। अभी दोस्तों आपको मुर्गे को खड़ा कर लेना है। हमने इसको पाउडर फॉर्म में एंटीबायोटिक वाला लिक्जन पाउडर की भी मेडिसिन दे दी और इसको हमने इंजेक्शन फॉर्म वाली इंजेक्शन भी दे दी, ठीक है। तो हालांकि जैसे कि वीडियो में आपको CRD के इसको ज़्यादा सिम्टम नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं इसको लगातार 2 दिन से इसकी कंटिन्यू मेडिसिन की ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, तो अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ चुका है। 90% तक इसकी जो बीमारी है वो पूरी तरह से चली गई है, ठीक है, पूरी तरीके से इसकी बीमारी चली गई है। लेकिन फिर भी आज का इसका ट्रीटमेंट का 3रा दिन है, लेकिन 3रा दिन होने के बावजूद भी आगे के 2 दिन में कंटिन्यू इसको मेडिसिन और इंजेक्शन तो मैं आज बंद कर दूंगा शाम का डोज देने के बाद, लेकिन लिक्जन पाउडर मैं और से 2 दिन चलाऊंगा, क्योंकि किसी भी कारण से अगर हल्की फुल्की भी बीमारी इसको बची होगी तो आने वाले 2 दिनों में, मतलब कंप्लीट 5 दिनों के ट्रीटमेंट के डोज में ये कवर अप हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी मैं और से कुछ दो तीन बातें बता देता हूँ। कभी कभार क्या होता है ना दोस्तों कि इस तरीके की मेडिसिन का ट्रीटमेंट करने के बावजूद कोई भाइयों को रिजल्ट नहीं मिलता है, ऐसे में आप एंड्रोजन प्लस नाम की या फिर एंड्रोफ्लोक्सासिन कंटेंट वाली मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, जो कि 1 ml 10 kg बॉडी वेट के लिए या फिर 10 ml पानी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। टेट्रासाइक्लिन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, तो इसका भी 1 gram 1 liter पानी में इस्तेमाल आप इसको कर सकते हो, या फिर 2 kg बॉडी वेट के मुर्गे के लिए आप 2 gram इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो भी मेडिसिन आपको दिखा रहा हूँ, कम से कम 2 antibiotic का इस्तेमाल आपको लाजमी करना है उसकी ट्रीटमेंट करते समय। अगर 1 antibiotic से अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलती या फिर रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसे में जो भी दूसरा एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट होती है या फिर दूसरी जो मेडिसिन होती है उसकी कंटेंट वो बीमारी कवर करने के लिए आपको मदद करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कभी भी आप एंटीबायोटिक या फिर इंजेक्शन फॉर्म में कोई भी मेडिसिन अपने मुर्गे को चलाते हो, तो ऐसे में स्ट्रेस से दूर करने के लिए, मुर्गे को स्ट्रेस से दूर करने के लिए और उसके शरीर में ताकत लाने के लिए कोई भी मल्टीविटामिन का आपको इस्तेमाल करना है। हालांकि मार्केट में वायमेरा ये जो मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके रिप्लेसमेंट में आप अलग अलग ब्रांडिंग के ADE3B12 मल्टीविटामिन, ठीक है, उसके साथ साथ मल्टीस्टार विटामिन, ठीक है, जो कि मैनकाइंड के आए थे, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो जो कि मेरा ये मुर्गा 6 kg के आसपास का है, तो तकरीबन इसको 2 ml मतलब ये जो सिरिंज होती है, ठीक है, 3 ml पानी में 2 ml वायमेरा मिला के उसको सिरिंज में 5 ml खींच लेना है और मुर्गे को ऑटोमेटिकली उसके शरीर में ये सिरिंज द्वारा उसको पीने को दे देना है। 2-3 सिनेरियो और से होते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर आउट करा के बता देता हूँ। दोस्तों क्या होता है ना, कभी कभार आप मुर्गे की ट्रीटमेंट करते हो तो मुर्गा बहुत ज़्यादा वीक होता है, मतलब ना ही वो दाना खाता है और ना ही वो पानी पीता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपको लाजमी तौर पर उसको दाना और पीने में से जो भी मेडिसिन आप पीने के पानी द्वारा पिला रहे हो, तो मेडिसिन भी पानी द्वारा और पीने का पानी भी आपको लाजमी तौर पर उसको हाथों से पिलाना है। बहुत बार क्या होता है, 2-3 बीमारियाँ मिक्सअप होकर आती है, मतलब CRD भी आपके मुर्गे को हो जाएगी, साथ ही साथ इकोली भी हो जाएगी, आपके मुर्गे को डायरिया का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट के साथ साथ, जैसे कि मान के चले अगर आपके मुर्गे को हरी बीट या फिर सफ़ेद बीट या फिर कोई भी डायरिया, लाल बीट को छोड़ के, लाल बीट का प्रॉब्लम को कॉक्सीडियोसिस बोला जाता है, किसी भी प्रकार का पानी, मतलब पानी वाली डायरिया, कलर चेंज होने वाली डायरिया, इस तरीके का अगर आपके मुर्गे को प्रॉब्लम होता है, तो डायरिया के प्रॉब्लम को कवरअप करने के लिए फ्लैगी 400 नाम की मेडिसिन या फिर टैबलेट्स आती है, उसका इस्तेमाल आपको 3 kg बॉडी वेट के लिए 1 tablet का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग डिसीज के लिए कराना होता है, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा इसमें मुँह छटका, तो ये CRD अभी भी इसकी पूरी तरह से कवर नहीं हुई है, लेकिन पहले दिन अगर मैं आपको इसको दिखाता था तो इसको काफ़ी ज़्यादा सेवरल प्रॉब्लम था, तो काफ़ी हद तक इसका रिजल्ट मुझे मिल चुका है। और इसके पहले भी मैंने इस तरीके की ट्रीटमेंट का सहारा लेके काफ़ी ज़्यादा मुर्गे को मैंने सुधारा हुआ है। तो इस तरीके की 2 मेडिसिन का इस्तेमाल करके, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करके, आप अपने घरेलू मुर्गियों को, घरेलू मुर्गे को, फाइटिंग वाले असली मुर्गों को तंदुरुस्त रख सकते हो, डिसीज से दूर रख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और ये मेरा मुर्गा भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसी तरह का एक पॉलिटिकल नॉलेजेबल वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।